सुप्रभात बच्चों, पहले वीडियो में हमने एक एक वाक्य में प्रश्न उत्तर लिखो देखा था। उसके और भी कुछ प्रश्न उत्तर हमने हमें देखे हैं, यानी और भी कुछ हम प्रश्न देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है? इसका उत्तर है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है। 26 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें किनके बलिदान को सदैव याद रखना होगा? हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। आगे भी कुछ प्रश्न है। आप देखो ये जो पंचमाक्षर है न से युक्त संयुक्त अक्षर वाले शब्द 5 शब्द लिखो। अब यहाँ पे पंचमाक्षर न है, यहाँ पे आता कंघी शंख पतंग कंघी गंगा। अब यहाँ पे पंचमाक्षर है त्र, पंचमाक्षर से युक्त संयुक्त अक्षर वाले 5 शब्द लिखो। यहाँ पे आता है कंचा पंची जंजीर झंझावात खंजर। न पंचमाक्षर से युक्त संयुक्ताक्षर वाले 5 शब्द लिखो। घंटा टंडल टंडा पंडरपुर और खंडहर। न पंचमाक्षर से बने संयुक्ताक्षर वाले 5 शब्द लिखो। संतरा ग्रंथ संदूक और कंधा और बंदूक। आगे देखो म पंचमाक्षर से बने संयुक्त अक्षर वाले 5 शब्द लिखो। चंपा गुम्फन कंबल खंबा दम्बू। और भी प्रश्न है आगे। अब यहाँ पे देखो हिंदू वर्ष के महीनों के नाम क्रम से लिखो। पहला है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक अग्रहायण पौष माघ फाल्गुन। सप्ताह के दिनों के नाम क्रम से लिखो। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। अब देखो 6 ऋतुओं के नाम क्रम से लिखो। पहला आता है ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर और वसंत। आगे है किसके बच्चे बरसात में भीग रहे हैं? सुदामा के बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। सुदामा के अनुसार शिक्षा कहाँ मिलती है? सुदामा के अनुसार शिक्षा विद्यालय में मिलती है। बच्चों को बंदर कौन मानता है? सुदामा बच्चों को बंदर मानता है। सुदामा को अपना स्वेटर कहाँ सुखाना है? सुदामा को अपना स्वेटर धूप में सुखाना है। बंडुभाव के अनुसार खत कहाँ डालते हैं? बंडुभाव के अनुसार खत खेत में डालते हैं। अब देखो अरे बंडुभाव मैं अब यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पे आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। अभी आपका प्रश्न है अरे बंडुभाव मैं क्यों शिक्षा दूं? यहाँ पे आपको विराम चिन्ह लगाना यहाँ पे दिया है। इसका उत्तर देखो यहाँ पे अरे बंडुभाव यहाँ पे दोहरा अवतरण चिन्ह और कॉमा मैं क्यों शिक्षा दूं यहाँ पे प्रश्नार्थक और दोहरा अवतरण चिन्ह दिया है। आप दूसरा देखो खत तो खेत में डालते हैं बेटी को क्यों भेजूं? यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमा दिया है और यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है यहाँ पे सॉरी प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया है। खत तो खेत में डालते हैं बेटी को क्यों भेजूं यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह है। आगे देखो तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे?
यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया है। ऐसे आपको विराम चिन्ह यानी लगाने होंगे। आगे देखो प्रश्न, पाठ में किन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है? पाठ में भूकंप, बाढ़ और सुनामी प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है। भूकंप आने पर क्या होता है? भूकंप आने पर घरों की छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है? लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही क्या करना चाहिए? बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। समुद्र के तल में भूकंप आने पर क्या होता है? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। आगे है प्रश्न, अब यहां पे जो प्रश्न दिया है, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज लकड़ी के तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। बाढ़ क्या है? लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भर जाता है, फसलें नष्ट हो जाती है, यही बाढ़ है। बाढ़ आने पर क्या होता है? बाढ़ आने पर नदी के आसपास के गांवों में पानी भर जाता है, बस्तियां पानी में डूबने लगती है, इमारतों में भी पानी भर जाता है, खेतों में पानी भर जाने से फसलें नष्ट हो जाती हैं। सुनामी क्या है? सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यह सुनामी है। सुनामी आने पर समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक विपदाएं कौन कौन सी है लिखो। अब यहाँ पे प्राकृतिक विपदाएं है भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी, तूफान, बादल फटना, बिजली गिरना आदि प्राकृतिक विपदाएं है। आगे प्रश्न है, आप निम्नलिखित प्रतीकों का संक्षेप में उत्तर यानी परिचय दिए आपको लिखना है, यानी उत्तर लिखना है। पक्की सड़क, ऐसी सड़क कोलता या सीमेंट की बनी होती है। शहरों की सड़कें पक्की होती हैं। कच्ची सड़क, यह सड़क बहुत साधारण होती है। गांव में कच्ची सड़कें होती हैं। इनका उपयोग अधिकतर बैलगाड़ियों के लिए होता है। इन पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है और इनमें कहीं कहीं गड्ढे भी होते हैं। पगडंडी, पगडंडी किसे कहते हैं? यह कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, यह लोगों के चलने से अपने आप बन जाती है। इकरी रेलवे, इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ी के जाने और लौटने के लिए एक ही रेल लाइन होती है। इस पर एक गाड़ी जाने के बहुत समय के बाद दूसरी गाड़ी जा सकती है। इसका उपयोग मालगाड़ियों के लिए भी होता है। कारखाना, कारखानों में मशीनों द्वारा वस्तुएं बनाई जाती है। जलाशय, इसे तालाब या सरोवर भी कहते हैं। लोग कई तरह से इसके पानी का उपयोग करते हैं। पुल, नदी के आर पार जाने के लिए उस पुल पर यानी उस पर पुल बनाया जाता है। आगे देखो, पशु अस्पताल, इसमें बीमार या घायल पशु पक्षियों की पशुओं का इलाज किया जाता है। किला, यह पत्थर की बनी मजबूत और विशाल इमारत होती है। पुराने जमाने में राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते थे। गिरजाघर, यह ईसाइयों का प्रार्थना स्थल है। बुद्ध विहार, बौद्धों के पूजा प्रार्थना घर को बुद्ध विहार कहते हैं। बगीचा, छोटे बड़े शहरों में बगीचे घूमने फिरने के
सुंदर स्थान होते हैं, गांव में बड़े बड़े बगीचे होते हैं। यह प्रतीक स्कूल के पास सड़क के किनारे लगा होता है और सूचित करता है कि विद्यालय पास है, इसीलिए वाहन संभाल कर चलिए। सिग्नल, शहरों में यातायात के सुरक्षित संचालन के लिए सिग्नल लगाए जाते हैं, इसके कारण पैदल चलने वाले सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकते हैं। इनमें लाल बत्ती रुकने और हरी बत्ती चलने का संकेत करती है, पीली बत्ती ठहर कर इंतजार करने का संकेत करती है। मंदिर है, हिंदुओं के देवालय को मंदिर कहते हैं। मंदिर के शिखर पर पताका फहराती रहती है। अब ये प्रतीक है शांति क्षेत्र, सूचित करता है यहाँ शोर न करें। यह प्रतीक अस्पताल के पास लगाया जाता है, ये शांति क्षेत्र। आगे ऊंट और रेत के ढेर, यह रेगिस्तान का प्रतीक है। ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है और सवारी के काम आता है। मस्जिद, यह मुसलमानों का प्रार्थना घर होता है। दलदल, वह गीली जमीन जिस पर खड़े होने से पैर नीचे धंसता है। अस्पताल, इसमें बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न उत्तर हमने आज देखे हैं, इनको आप एक बार फिर से लिखकर इसे याद कीजिए, ठीक है। कुछ और भी प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे।